जो बड़ा अच्छा भाव है इस मंत्र का, वहां कहता है कि यजमान सबसे पहले आहुति स्वयं की दे रहा है, सबसे पहले आत्मा रूपी ईंधन इसमें आहुति है, मैं स्वयं अपने आप को आहुत कर रहा हूं। आप देखिए समाधि क्रांति में ये नहीं कहा कि तुम आहुति दो, ये नहीं कहा कि तुम आहुति दो प्राणों की, स्वयं ने आहुति दी। जितने भी उदाहरण में मिल जाएंगे, तो यज्ञ का ये उपदेश है, इस वेद मंत्र का आदेश है, यज्ञ की पहली आहुति यजमान स्वयं है और अपनी आत्मा को लेकर के तृप्त हो रहा। नहीं भाई, मैं पहले अपनी आहुति दे रहा हूं इस आत्मा रूपी ईंधन की, इसलिए दूसरे की आहुति नहीं देनी है, दूसरे से नहीं कहना है, पहले स्वयं को अर्पित करना है, स्वयं को समर्पित करना है। अब आप देखिए समाज में परिवार में झुकते कौन है, जो स्वयं को समर्पित करते, क्यों? मैं बंधन नहीं चाहता हूं, मैं परिवार में फूट नहीं चाहता हूं, परिवार चाहे समाज हो, राष्ट्र हो, देश हो, संगठन भी है, आर्य समाज एक संगठन है, ये परिवार है, इस परिवार के अंदर भी आपस में विरोध ना हो, इसलिए मैं स्वयं की जो इच्छा शक्ति है मैं उसकी आहुति दे रहा हूँ, उसको त्याग रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, अपने अहम का परित्याग कर रहा हूँ। आइए हम लोग का वो जल सेचन करेंगे। ओम सभी लोग आ जाएं इस सारा के अंदर, जो लोग अल्पाहार कर चुके हैं घूम रहे हैं बहुत श्रद्धा के साथ आगे। ओम ओम देव सविता प्रसुवयजं प्रसुवयज्ञपतिम्बकाय दिव्यो गंधर्वः केतपो केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतो। चारों दिशाओं में बिल्कुल छोड़ देंगे। शीघ्र भारत आगे पुनः आहुति प्रदान करेंगे। चार बार सृष्टि जाएंगे आपके स्वाहा।
सामग्री की आहुति डालेंगे जो यजमान जिनके चम्मच है वो घी डालते हैं सामग्री की आहुति डालेगा स्वाहा की आवाज उच्च स्वर के साथ में सभी की आनी चाहिए श्रद्धा का एक अर्थ हम सब लोग बाद में समझेंगे बहुत बार में सुनते हैं श्रद्धा है श्रद्धा करो भावना करो श्रद्धा करो आइए पहले हम प्रातःकाल के समय इस पावन अवसर पर सूर्य देवता के निमित्त प्रातःकाल मंत्रों से हम सामग्री की आहुति प्रारंभ करेंगे प्रारंभ करें ओम सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य आहुति पहले दैनिक यज्ञ करेंगे दोनों समय का और कई बार हमने देखा है आप लोग भी शायद करते होंगे तो थोड़ा और ठीक कर लेंगे जब जो लोग दैनिक यज्ञ करते हैं या दैनिक में भी प्रातः करते हैं सायंकाल नहीं करते हैं तो दोनों समय की आहुति के लिए कई बार मंत्र बोला अग्नि ज्योति ज्योति चार मंत्र बोले और फिर दोबारा से प्रातः काल मंत्र नहीं पूर्ण करना है प्रकरण प्रातः काल का फिर दोबारा पूर्ण करना है सायंकाल ठीक है जी इसका ध्यान देना और ये कहाँ से है ये हम करेंगे जल प्रसेचन के बाद अग्नय फिर पूरा यज्ञ करेंगे और फिर विशिष्ट यज्ञ की आहुति बात दान करेंगे तो आइए अब सायंकाल मंत्रों की आहुति ॐ अग्नये स्वाहा
ये हमारा दोनों समय का दैनिक यज्ञ पूर्ण हुआ। ये इतनी बुद्धि यहाँ तक है। अब ऋषि लिखते हैं इसके बाद में और इच्छा करने की है तो फिर मंत्र बोलते हैं, जितना समय उतने आप इसको बढ़ाएं अपने साथ। अब हम लोग विशिष्ट यज्ञ जो है हमारा अब उसको प्रारंभ करेंगे। तो केवल घृता होगी, मिष्ठान की व्यवस्था कर ली आपने, अब केवल पंच घृत आहुति बोलेंगे विशिष्ट मंत्रों से। भोरग जय ओम भोरग नये अवमान होती चार बार जाने क्या होती ओम भूर भुवा
अब यहाँ पर केवल गीत आहुति की ही इसमें डालेंगे आहुति, इसमें सरबत्र की अभी खा नहीं है। ओम परमो अग्ने वर्ष विद्वान देव से लोग आयास चिंता यदि तो वरिन तो चलाम विश्वास से जीवन मार्ग इधर मन्ये मार्ग से धन्यवाद तन्नो अग्ने वमो भवोतिने इष्टो असौ सुतो वैष्णो अवयक्षणो वरुणं करानो धीमेकं सुहवो न एधि स्वाहाग्ने वर्णाभ्यां मम ओमं मे मात्रा कम से होनी चाहिए, कम से कम शीघ्रता करें विद्यार्थी, शीघ्र आगे बता। ओम यदस्य कर्मणो चले प्रजापति बोल तीन बार गायत्री मंत्र बोल के
जो अन्य लोग हैं मुख्य मनों को छोड़ के वो बैठ जाएंगे, वहां से उठ जाएंगे। तीन बार गायत्री मंत्र संपूर्ण यज्ञशाला में आप सब लोग पहुंचे हैं, सभी का स्वागत है। आओ मिलकर के संगठन के सूक्त का पालन करते हुए संगच्छत्वं सम वदत्वं साथ साथ बोले, मिलकर बोले, तो मिलकर के गायत्री मंत्र से तीन बार आहुति डालेंगे। ओम जो एक दो लोग हैं मुख्य रूप से जाना चाहते हैं तुरंत आ जाए। शीघ्र संविधाओं का ध्यान देंगे, अभी मुझे नहीं विद्यार्थी सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तीन बार कहते हैं पुनः प्रारंभ दाम छोड़ते हैं। अब अपना ध्यान ये बड़े एक अलग हमारी आदतें हैं। एक बार कहते हैं नहीं किसी को भी अवसर यथास्थान बैठ जाए, तुरंत जल्दी से बैठ जाए। सभी लोग बैठे बैठिए, केवल बैठे मौन बैठे बैठे आराम से बैठे। रुको रुको ऐसे ना करें। देखो मैं बैठिए बैठिए, सभी स्वागत है, सभी को नमस्ते हो गई है। मैं तो बातें बार बार बोलता हूँ, दिल्ली से बैठे सभी लोग बैठे एक दो चीजों का हम यहाँ ध्यान दें। अभी जो हम यहाँ समूह में बैठे हैं ये आप नहीं बैठे, ये आर्य समाज बैठे है। समूह में किया गया व्यवहार बहुत बड़ा परिचायक होता है।
मैं जब निर्देश कर रहा हूं यहां से आप जब मैं करूंगा तब बुला लेंगे आप। ये पता नहीं फ्रीडम की कहां से प्रवृत्ति हमारी आ गई है, करना है नहीं करना। कोई व्यक्ति यहां निर्देश दे रहा है पैसा कर रहा है, बस इतनी सी बात है। ना इसमें अहंकार इस बात का है कि ये कौन होते, ना अहंकार इस बात का कि मैं कौन हूं, नहीं नहीं। अभी हम समूह में बैठ करके संगठन का परिचय दे रहे हैं। अभी आप व्यक्ति नहीं है, अभी आप समाज है, आर्य समाज है। तो इसलिए जो निर्देश यहाँ दिया जा रहा है एक बार पालन करते हैं। और कोई नया व्यक्ति यहाँ आया हो पहली बार, वो ये देख रहा हो, हमारे विद्यार्थी भी नए जो आए हैं वो भी देख रहे हैं, वाह यार आर्य समाज तो कैसे करते हैं, एक बार बोल दिया गया यथावत पालन करते हैं। और इसका लाभ हमारे संगठन को है, और संगठन बढ़ता है तो मैं बढ़ता हूँ, आपको मैं अकेला बढ़ूंगा नहीं, नहीं। संगठन के बढ़ने से हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम आज भी चिल्ला रहे हैं रो रहे हैं कि आर्य समाज का संगठन नहीं है। मैं कहा छोड़ो, जिला स्तर पे कर लो, कम से कम जिला पे अच्छा कर लो, जिला पे नहीं कम से कम अपनी आर्य समाज में अच्छा कर लो, दोष देके बड़े कर ऊपर ना ना ऊपर नहीं। आप जिस संस्था को चला रहे हैं उस संस्था में संगठन बढ़िया कर सकते। और ये उदाहरण प्रस्तुत नहीं, वहां की इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती। आइए हम सीधे ये जितनी पुनःति जुड़ जाएंगे, जब तक अब कोई निर्देश नहीं है, अब कोई आहुति नहीं डालेगा, फिर भी कोई डालना चाहे तो बाद में शांति पाठ वशिष्यते। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बस यथास्थान बर्तन छोड़ देंगे, वहीं पर बैठ जाएंगे, कोई हिलेगा नहीं। उपेंद्र जी हमारे बीच उपस्थित हैं, केवल ये जुम्मा माइक से उपस्थित होंगे। सभी लोग अपना मंत्र कर लेंगे, उपेंद्र आर्य जी के स्वर के साथ स्वर मिलाकर के ये जो प्रार्थना के शब्दों का गान करेंगे। और जो हम लोग संगठन सूत्र के चार उपयोगी करते खूब जोर से गाते रहते हैं, आई उपेंद्र आज ओम ओम।